और आज दोस्तों मैं आपको अपनी टीम से मिलाता हूँ कि हमारे साथ में और भी और लोग हैं जो आपको साथ में ट्रेनिंग देते हैं, आपको सिखाते हैं, आपको करके सारी प्रॉब्लम के बारे में आपको सोल्यूशन देते हैं। और मैं तो आपको सिखाता सिखाता हूँ, ट्रेनिंग तो मैं देता ही देता हूँ, लेकिन हमारे ट्रेनिंग का मतलब होता है आप सर 30 से 40 50 स्टूडेंट सुबह शाम तक क्लास करते हैं, तो वो लोग भी सर आपकी हेल्प करते हैं, आपकी मदद करते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप अच्छी तरीके से सीख करके जाओ। आइए सर मोहित सर, जैसे मेरे पास मोहित सर हैं और ये हार्डवेयर के बारे में बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट हैं, हार्डवेयर के बारे में आईसीयू को निकालना है, डबल डेकर सीपीयू को रिबॉल करना है, या एमएमसी को प्रोग्राम करना है, या आईसीयू को कैसे रिबॉल किया जाएगा, सर बहुत बारीक बारीक से टेक्निक आपको सिखाते हैं ताकि आप अच्छी तरीके से लोगों को सीख करके जाएं और अच्छे तरीके से काम करें। सुबह शाम तक सर ट्रेनिंग देते हैं, 4 घंटे क्लास जो होता है, 4 घंटे पहली बार तो ट्रेनिंग दिया जाता है, सिखाया जाता है, जब तक, क्योंकि आप दोस्तों आप उतना दूर से सीखने के लिए आते हैं, जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक कुछ काम कर नहीं पाएंगे। अमित सर आप आई भी आइए, जैसे कि जब तक किसी भी चीज़ के बारे में आप लोग सीखेंगे नहीं तब तक आप काम नहीं कर सकते, और जब सीख जाएंगे तभी काम करेंगे। एक बात मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि भैया आप 4 व्हीलर चला लेते हो, तो आप कहेंगे हाँ सर मैं चला लेता हूँ, लेकिन आपको आता कोई ज़िंदगी में सिखाया नहीं, तो कह तो दोगे, कहने वाली बात है कि बहुत ऐसे लोग हैं ना जो इनकी मोबाइल फ़ोन की दुकानें हैं, जो बहुत सालों से मोबाइल फ़ोन की दुकान चला रहे हैं, और आज अगर उनके पास सीखने के लिए मेरे पास आते हैं तो उनसे कहते हैं भैया तुम काम वो लगा लोगे, ग्लास चेंज कर लोगे, तो कहते हाँ सर कर लेंगे, आईसी रिवॉल्व कर लोगे, कर लेंगे सर देखा हुआ है, लेकिन हमने किया नहीं है। तो वही बात आती है कि आपने दूर से तो देख लिया कि भैया हो सकता है, हो सकता है, लेकिन आपने खुद नहीं किया, तो वो खुद नहीं किया का जो सवाल, जो दिमाग में टेंशन है ना, वो वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग हैं इतना अपडेट हो गए हैं, इतना सारी चीज़ के बारे में उनको नॉलेज मिल गया है, इतना जानकारी मिल गया है, लेकिन वो सारा नॉलेज जानकारी लिया और दिमाग में बंद हो गया, और दिमाग में बंद होने के बाद सब बेकार हो गया। वो नॉलेज जानकारी तभी ज़िंदगी में काम आएगा जब वो हाथ में आएगा, मतलब आप खुद करोगे, जब तक खुद नहीं करोगे तो वो सीख लिया जानकारी ले लिया वो बेकार है, वो सिर्फ एक ज्ञान है, वो आपने समझ लिया, आपको उसके बारे में हेल्प मिल गया, या आप थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं तो आप थोड़ा सा और मजबूत हो गए, लेकिन इन सब चीज़ों को पूरा कैप्चर करने के लिए आपको एक ट्रेनिंग अच्छी सी लेनी होती है। और यहाँ पर सजी जो ट्रेनिंग का प्रोसेस होता है मात्र 45 डेज का होता है, 45 डेज में फुल डे ट्रेनिंग का प्रोग्राम है और अच्छी तरीके से सीख करके जाएंगे। तो मोहित सर जब आप बच्चों को क्लास कराते हैं तो जो नए नए लोग आते हैं तो नए नए लोगों के साथ में क्या क्या प्रॉब्लम ऐसी फेस करने को आपको मिलती हैं, क्या क्या सारी चीज़ें मिलती हैं जो आपको फेस करनी पड़ती हैं? हेलो दोस्तों, तो जैसे जो नए लड़के आते हैं उनके लिए उनको प्रॉब्लम क्या होती है कि वो आते हैं तो शुरू में ही सोचते हैं कि हम सीधा कोई फ़ोन को बंद फ़ोन को चालू करना सीख लें तो उससे अच्छा हो जाएगा ये, मगर उनको क्या है कि उनको आयरन चलाना सही से नहीं आता है क्योंकि उन्होंने कभी अभी तक आयरन पकड़ी ही नहीं है। मगर होता क्या है कि वो सोचते हैं कैसे जादू करना हमको सीख लें, मगर भैया हम तो कहते हैं आओ आप अच्छे से आओ, मगर आप धैर्य से टाइम थोड़ा दे के अच्छे से टाइम दे करके सीखोगे, एक एक चीज़ को सीखते चले जाओगे बारी बारी से, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मगर हाँ सीखने का ये तो है तो 40 से 45 दिन का टाइम तो लगता ही है। तो हमारा कहना है आप लोग आइए, मगर थोड़ा धैर्य रखिए, मतलब सीखिए अच्छे से, बाकी सब कुछ अच्छे सिखा दिया जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। तो सर जैसे सर ने बताया कि जितने भी सारे नए लोग आते हैं उनको बड़ा सर लगता है कि यार ये भी सीख लें ये भी सीख लें, लेकिन नए लोगों को लगता है एक जोश होता है नए सीखने में, ऑफिशियली बात है, मैं भी अगर कहीं गया हूँ कोई चीज़ सीखने के लिए गया हूँ या कोई कपड़े लेने के लिए गया हूँ तो बड़ा एक्साइटेड होते हैं कि यार चलो ये भी ले लें ये भी ले लें ये भी ले लें, लेकिन हम 10 चीज़ नहीं लेते, एक ही चीज़ लेते ना, 2 चीज़ लेते हैं। उसी तरीके से जब आप ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो आप पूरा कंप्लीट सीखने के लिए आते हैं तो पूरा अच्छे से सीख करके जाते हैं। जैसे आज हमारे पास राजीव जी हैं जो आपके अपना मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स सीख कर गए हैं, बुंदेलखंड के रहने वाले हैं और एक अच्छे प्रोफेशनल आदमी थे, उन्होंने अपने इस लाइन को सिलेक्ट किया, आज पूरा कंप्लीट कोर्स सीख कर गए, हमने उनको बहुत अच्छा सिखा के भेजा, मेरे पास बिल्कुल 0 लेवल के आए थे, वो अच्छे से काम कर गए। तो जितने भी सारे लोग आते हैं पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग लेकर के जाते हैं, और हमारे पास अमित सर हैं जो आपको पूरा फुल डे आपको सपोर्ट करते हैं यहाँ पर रहने से लेकर के आने जाने तक का, ट्रेनिंग के दौरान एक एक करके जो भी इक्विपमेंट जैसे ज़रूरत पड़ती है, आपको कोई मशीन की ज़रूरत है, कोई आपको ब्लेड की ज़रूरत है, या कोई आयरन की ज़रूरत है, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है, या आपको OCM मशीन की ज़रूरत है, ऐसी कोई भी चीज़ होती है जब आप क्लास में सब लोग काम कर रहे होते हैं सीख रहे होते हैं तो सारा सामान रखा हुआ है, सब चीज़ों को आप अच्छे से सीखते हो, कोई चीज़ ज़रूरत होती है जैसे आपको OCA करना है, मोबाइल फ़ोन में बच्चे ने ग्लास चेंज किया, उसका कटिंग किया, कटिंग करने के बाद उसको पंचिंग किया, पंचिंग करने के बाद उसको OCA करना है, OCA सच 20-30 रुपये का सीट आता है, लेकिन हम बच्चों को ट्रेनिंग के दौरान सब चीज़ें आपको देते हैं, आपको प्रोवाइड करते हैं। सीखने के लिए आपको ऐसे मोबाइल फ़ोन चाहिए, प्रैक्टिस के लिए ऐसे मदरबोर्ड चाहिए, या IC रिबॉलिंग करने के लिए इस तरीके से आपको IC चाहिए, या इस तरीके से मोबाइल फ़ोन का बोर्ड चाहिए,
ऐसा जो भी सारा एक एक करके आपको चाहिए होता है वो सब आपको सर आपको एक एक करके प्रोवाइड कराते हैं और आपको अच्छे से उनमें काम करते हैं। तो सर आप बच्चों को ये बताएंगे जरा से, जो जितने भी नए लोग जो आने वाले हैं आप उनको जरा बताइए सर क्या क्या सामान ऐसा लगता है, और जो सीखने के लिए आते हैं उतना दूर से अगर यहाँ पर सीखने के लिए आएंगे तो उनको क्या क्या लेकर के आना होगा, तो आप उनके लिए कैसे सुविधा उनको दोगे और कैसे उनको अच्छे से सिखा करके भेजोगे, क्या क्या उनको चाहिए होता है कि मतलब परदेश में आते हैं कोई बिहार से हैं, कोई झारखंड से हैं, कोई दिल्ली से हैं, कलकत्ता से हैं, उतने दूर से सीखने के लिए तो और जाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे क्लास में बैठे रहेंगे भाई, वो कहीं सोएंगे भी, खाना भी खाएंगे या क्या सारी चीज़ें, तो सर इन सारी चीज़ें सुविधाओं को सर आप कैसे प्रोवाइड कराते हैं लोगों को। देखिए नमस्कार दोस्तों, मैं ईटेक से बात कर रहा हूँ मिस्टर अमित। हम आपको बताना चाहेंगे जो हमारे बहुत से दूर से स्टूडेंट आते हैं जो कि लगभग 1,000, 2,000, 2,800, 3,000 किलोमीटर दूर से आते हैं, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अच्छे से आइए, जो आपको वहाँ से सुविधा हो आप लेके आ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सारी सुविधाएँ आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है, यहाँ तक कि हॉस्टल में आपको रहने के लिए सारी व्यवस्थाएँ हैं। अगर आपके पास बिस्तर है तो आप लेके आ सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, यहाँ से आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और इसके बाद यहाँ से सारी टूल किट्स जो होती हैं, ठीक है, टूल किट्स में आपको 10 चीज़ें आपको दी जाती हैं, वो भी सारी यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। और जो मशीनें हैं सारी, ये सब आपके सीखने के लिए हैं, ऐसा नहीं कि ये सर सीखेंगे कि जो भी मशीनें हैं XYZ जो भी मशीनें यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती हैं वो सब आप लोगों के लिए ही हैं, और आप लोग आके अच्छे से सीख सकते हैं और आकर के सीखिए। आप आइए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, एनी 24 आवर्स हम लोगों के नंबर चालू होते हैं, आप अगर रात में 12 बजे भी कॉल करते हैं तो हम लोग रिसीव करते हैं, रास्ते में ट्रेन में कहीं भी सफ़र कर रहे हैं कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमको फ़ोन करिए, हम आपको सोल्यूशन देंगे। ओके सर, थैंक यू। और सर जो बच्चे जितना दूर से आते हैं सीखने के लिए आते हैं, ट्रेनिंग ले करके जाते हैं, तो क्या सर आप उनका ट्रेनिंग के बाद अगर उनको मान लिया 6 महीने साल बर्बाद अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है, मान लिया उन्होंने सीख लिया, सीखने बाद 2 साल उन्होंने मोबाइल फ़ोन लाइन में काम ही नहीं किया, तो क्या आप सर उनको पूरा सपोर्ट करते हैं कि आप उनको अच्छे से दोबारा बोलते हैं, ऑफर करते हैं कि सर सीख के जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जी जी सर, देखिए अगर आपको ऐसा होता है कभी कभी बच्चे आते हैं, आने के बावजूद उनको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है या कोई फैमिली की प्रॉब्लम होती है तो अपनी मोबाइल की शॉप नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए आप बिल्कुल कतई परेशान ना हो। आप आइए यहाँ पे 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीने, ठीक है, फिर से आप रिटर्न होके आइए, हम आपको फिर से उसी मनोबल के साथ सिखाएंगे, ठीक है, जिस तरीके से हमने आपको पहले सिखाया हुआ था, आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, लाइफ टाइम आपके लिए सपोर्ट है, जब तक हम और आप जिंदा हैं आपके लिए पूरा फुल सपोर्ट रहेगा। और सर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसे मान लिया कोई बच्चा सीख रहा है और सीखने के दौरान मान लिया उससे जैसे जैसे सोल्डिंग आयरन है, ये सोल्डिंग आयरन काम करते करते फूक गया, ये मल्टीमीटर है जैसे आप इससे रिपेयरिंग कर रहे हैं, बच्चे इसे रिपेयरिंग कर रहे हैं, रिपेयरिंग करने के साथ अगर मल्टीमीटर अगर ख़राब हो जाता है तो उसके लिए फिर आप क्या कहते हैं, स्टूडेंट से क्या बात करते हैं? अगर आपका मल्टीमीटर ख़राब होता है कोई दिक्कत नहीं, अगर वो बनने का, जैसे क्या होता है मल्टीमीटर में अगर आपको बैटरी ख़राब हो जाती है, बस यही ख़राब होता है, बैटरी ख़राब होती है, और भी कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो मल्टीमीटर हम आपको चेंज करके दूसरा देते हैं, आयरन अगर ख़राब होती है तो आयरन हम आपको दूसरी प्रोवाइड कराते हैं, XYZ आपको जो भी सामान अगर आपका यहाँ से ख़राब हो जाता है हम आपको दूसरा प्रोवाइड कराते हैं या उसी को रिपेयर करके देते हैं आपको। और सर जैसे मशीन है उनको बच्चों को कोई कटिंग वायर चाहिए होता है या OCA सीट चाहिए होता है या उनको हॉटगन मशीन चाहिए होता है, मान लिया कोई बच्चा है हॉटगन यूज करते करते अगर उसे हॉटगन मशीन फूक गई, हॉटगन मशीन जल गई, तो आप क्या कहेंगे उसे, हॉटगन के लिए आप उसे पैसे के लिए कहते हैं कि या वो आप ही उसको सब चीज़ों को मैनेज करते हैं? भाई अगर आपसे जल गई तो ऐसा तो है नहीं कि आपने जलाया हो, अगर आपसे जलती है तो उसको बनवाएंगे हम, उसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज़ टूटनी नहीं चाहिए, ठीक है, सिर्फ यहाँ पर अगर रिपेयर होने लायक रिपेयर होगी, नहीं तो नहीं आके आपको दी जाएगी, ठीक है, चाहे जितनी महंगी चीज़ हो आप उससे बिल्कुल भी परेशान ना होइए, चाहे हॉट गन है, माइक्रोस्कोप है, लैपटॉप है, ठीक, जितनी भी सारी चीज़ें रिपेयर करने में लगती हैं, हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो, IC वगैरह भी आपको यहाँ से रिवॉल्व करने के लिए सारी चीज़ें यहाँ से आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, अब तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल परेशान ना होंगे, कोई हमसे पैसा लिया जाएगा एक्स्ट्रा ऐसा कुछ नहीं होगा सर। तो रिपेयरिंग के दौरान जैसे आपसे कोई भी स्टूडेंट जब बोर्ड मांगता है तो क्या सर आप कीपैड मोबाइल फ़ोन का बोर्ड देते हैं या एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन का देते हैं या दोनों एक एक करके बोर्ड देते हैं, कई सारे बोर्ड देते हैं सर आप? देखिए सर उसके लिए तो ऐसा होता है जैसे बच्चा ओपनिंग में आता है सर, तो ओपनिंग तो बच्चे को कीपैड फ़ोन ही दिया जाता है, इसके बाद जैसे धीरे धीरे बढ़ता जाता है उसी तरीके से उसको, ये देखिए जैसे ये बोर्ड है ऐसे बोर्ड उनको दिए जाते हैं, इसके बाद जैसे ये देखिए कीपैड फ़ोन के ये बोर्ड ऐसे दिए जाते हैं, जो बच्चों ओपनिंग में आता है फ्रेशर होता है कुछ नहीं जानता है, ठीक है, उसको रांगा लगाना का ये पकड़ना भी नहीं आता है, तो ये फ्रेशर को ये बोर्ड दिया जाता है, इसके बाद जैसे हफ्ते से 10 दिन होता है
ठीक है, तो उसको ऐसे बोर्ड दिए जाते हैं। और ये भी नहीं कि एक ही बोर्ड दिया जाए, ठीक है, हर एक कंपनी के एम आई, रियलमी, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, हर एक की आपको कंपनी, आईफोन, सब के दिए जाएंगे आपको। और जब ये बोर्ड आप उनको बच्चे प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो प्रैक्टिस के दौरान क्या आप उनको वो वाले बोर्ड प्रोवाइड कराते हैं जो मार्केट में मोबाइल फ़ोन, चालू मोबाइल फ़ोन आते हैं, जैसे कोई ग्लास चेंज कराने के लिए आया है, कोई टच चेंज कराने के लिए आया है, कोई काम्बो चेंज कराने के लिए आया है, या आपसे कोई आईसी डलवाने के लिए आया है, तो उनके लिए सर वो मोबाइल फ़ोन को कैसे मैनेज करते हैं, किस तरीके से बच्चों से रिपेयरिंग कराते हैं? क्योंकि मान लिया हमारा स्टूडेंट है, जैसे भैया आए सीखने के लिए, आपको वीडियो देख रहे हैं, आप वीडियो देखने पर जब आपके पास सीखने के लिए आएंगे, तो आप उनको कैसे मतलब मोबाइल फ़ोन कैसे लाएंगे, मोबाइल फ़ोन कैसे उनको प्रोवाइड कराएंगे? और अगर मान लिया मोबाइल फ़ोन रिपेयर करते समय उनसे मान लो मोबाइल फ़ोन बाई चांस ख़राब हो गया, उन्होंने ग्लास चेंज करने के लिए कोई मोबाइल फ़ोन आया था, ग्लास चेंज करने में पूरा मोबाइल फ़ोन का काम्बो टूट गया, तो क्या आप उनसे दोबारा पैसे लेते हैं, या उनको नया काम्बो जो कस्टमर होता है वही काम्बो का सर्वाइव करता है, या तो सर आप उनको मैनेज करते हैं? किस तरीके से आप चालू मोबाइल फ़ोन में रिपेयरिंग करने का लोगों को फंडा बताइए कि चालू मोबाइल फ़ोन में आप कैसे रिपेयरिंग करवाते हैं? जी सर, देखिए क्या होता है, अपना जहाँ पे इंस्टीट्यूट है, ठीक है, यहाँ पे एक सागर मार्केट है, ठीक है, सागर मार्केट में अपना जो है यूपी कानपुर में, तो यहाँ पे लगभग मोबाइल फ़ोन की 3 से 4 हज़ार दुकानें हैं, ठीक है, जिसमें कि हमारे आप ये मान लीजिए 1000 से 1500 किलोमीटर, 200-400 ऐसे किलोमीटर दूर से सर हमारे दुकानदार आते हैं। तो आजकल अधिकतर दुकानदार आप भी देखते होंगे, अगर आप भी दुकानदार हैं तो चीज़ को सुनिए आप, जैसे क्या होता है छोटे छोटे फ़ोन तो सही कर लेते हैं, ठीक, कुछ दुकानदार हैं जो रिपेयर करना नहीं जानते, सिर्फ एसेसरीज या मोबाइल फ़ोन बेचते हैं, तो वो दुकानदार क्या करते हैं, एक हफ्ते के फ़ोन अपना इकट्ठा कर लेते हैं, इकट्ठा करने के बाद में वो हम लोगों के पास में फ़ोन लाते हैं, लाने के पास क्या करते हैं यहाँ पर दे देते हैं, एक सर ऐसा करिए हम अगले हफ्ते आएंगे, ठीक है, तो हम ये फ़ोन उठा ले जाएंगे। उसमें क्या होता है, किसी में हैंड फ्री, ठीक, किसी में आईसी प्रॉब्लम, किसी में काम्बो, ठीक, किसी में चार्जिंग जैक, किसी में टच ख़राब है, ऐसी सारी प्रॉब्लम जो भी होती हैं, तो वो हम बच्चे को एक एक सर फ़ोन करके देते हैं। एक एक फ़ोन में क्या होता है, अब जैसे बच्चे का एक हफ्ते से 10 दिन में चार्जिंग कनेक्टर या 2 दिन में चार्जिंग कनेक्टर कंप्लीट होता है, एक हफ्ते में आईसी कंप्लीट होती है, तो इस तरीके से हम सारे बच्चों को वही फ़ोन देते हैं, ठीक है, जिस हिसाब से बच्चे सीख जाते हैं, तो ऐसे उन बच्चों की ऑन फ़ोन में ट्रेनिंग हो जाती है। और उनसे दुकानदार से ऐसा नहीं होता कि हम कोई बहुत लंबा चौड़ा पैसा ले रहे हों, उनसे मात्र जो उनका सामान का पैसा होता है, आप भी अगर आइएगा तो आपसे सिर्फ सामान का ही पैसा लिया जाएगा, ऐसा नहीं कि जो मार्केट में 100-200 ज़्यादा लेते हैं वो पैसा आपसे लिया जाए सर। तो ये सर दुकानदारों के लिए हमारी सुविधा होती है और बच्चों के लिए भी होती है। तो जैसा कि सर ने बताया कि आपको ये सारी चीज़ें सारी आपको सर व्यवस्थाएँ कराते हैं जो आपको मैनेज करते हैं, रही बात ट्रेनिंग के लिए, तो उसके लिए मैं बैठा हूँ, जब आप आएंगे तो पूरा कंप्लीट ए से लेकर जेड तक पूरा कंप्लीट आप सीख करके जाएंगे। मेरा आपसे लिए इस बात के लिए वादा है कि आप पूरा बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग देंगे, और आपको ऐसे कोई भी मोबाइल फ़ोन है जो आपसे ना रिपेयर हो। तो दोस्तों आज मैंने आपको सभी लोगों से मिलवाया है ताकि ये सब आपको ट्रेनिंग में आपको मदद करते हैं, आपको सिखाते हैं, फुल डे आपको सपोर्ट करते हैं, पूरा दिन आपको क्लास कराते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक क्लास कराते हैं, और बहुत मिनिमम से मिनिमम रेंज में, इतना दुनिया जान में जो सर हम आपको ट्रेनिंग करा करके देते हैं आपको कहीं नहीं मिलेगा। और सीखने के दौरान जो भी सारा इक्विपमेंट है, लेटेस्ट से लेटेस्ट इक्विपमेंट्स है, स्मार्ट बोर्ड है, माइक्रोस्कोप है, ओसीए मशीन है, इस तरीके से UFI बॉक्स है, सॉफ्टवेयर है, डोंगल है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से लेकर ए से लेकर जेड तक कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं। हमने यहाँ पर फ्री रिपेयरिंग का ऑप्शन रखा हुआ है ताकि सारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, वह मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग ठीक करा करके ले जाएं और आपको सीखने को मिले, चालू मोबाइल फ़ोन में काम करने का मौका मिले। वरना मैं दुनिया जान में एक बात आपको सीना ठोक के कहना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा दुनिया जान में स्टूडेंट नहीं है जो आपको चालू मोबाइल फ़ोन में काम सिखा सके। क्यों सिखा देगा? अगर आपने उसका 2 फोन भी डेड कर दिया ना तो उसका 20,000 रुपया ऐसे नुकसान हो जाएगा, 10,000, 20,000, 25,000 ऐसे नुकसान हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने फ्री रिपेयरिंग का कॉन्सेप्ट इसीलिए रखा हुआ है ताकि आप लोग सीखने के लिए उतना मेहनत से आते हैं, उतना दूर से आते हैं, अपना फीस पे करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, कहीं ना कहीं समय देते हैं, तो सर हम आपके लिए भी करते हैं कि हम किसी भी लोगों से पैसा नहीं लेते हैं, और आप उन मोबाइल फ़ोन को ठीक करके देते हैं और अच्छे से काम करके देते हैं और पूरा कंप्लीट सीख करके जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको अपने टीम से मिलाया, किस तरीके से मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की ट्रेनिंग दिया जाता है, कैसे सिखाया जाता है, सब चीज़ों के बारे में आपको बताया। अगर आपको क्या क्या सारी चीज़ें बातें सिखाई जाती हैं, कैसे सिखाया जाता है, या पूरा दिन कैसे क्लास होती है, इन सब चीज़ के बारे में अगर आप जानकारी चाहिए तो हमारे नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर 6391711711 6391211211 उस नंबर पर आप कॉल करेंगे, आप इन्फॉर्मेशन लीजिए, व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग करिए, जानकारी लीजिए, 10 बार देखिए, 10 बार देखने के बाद फिर कहीं क्लास को स्टार्ट करिए, अच्छे से काम सीख करके जाइए। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके दोस्तों।